सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी। तो मैं हाँ जज सिंह चाहल। चोणां तो पहला आम आदमी पार्टी दे वल्लों पंजाब दे लोकां दे नाल इह वादा कीता गया सी कि जेकर तुसीं साडी सरकार सूबे दे विच बणाउंदे हो तां असीं नशे नूं वी खत्म कर देंगे अते गैंगस्टरवाद नूं वी पंजाब दे विचों खत्म कीता जाएगा। आम आदमी पार्टी ने कहा सी कि जिहड़ियां रवायती पार्टियां ने इह गैंगस्टरां दे नाल अते नशा तस्करां दे नाल मिलियां होईयां ने, इसे करके ही इह दोवें चीज़ां इन्हां दे वल्लों खत्म नहीं कीतियां जा रहियां। पर जदों आम आदमी पार्टी सत्ता दे विच आई, गैंगस्टरवाद अते नशे दा प्रचलन एकदम ही पंजाब दे विच वध गया, जिस तों बाद आप दी पंजाब सरकार ते इल्जाम लगन लग पए कि उन्हां दे वल्लों इस दे नाल निजिठण दे विच नाकामयाबी उन्हां नूं मिल रही है, जिस तों बाद हुण पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों एक वड्डा एक्शन विड दित्ता गया है। पंजाब दे नवें बनाए गए DGP गौरव यादव दे वल्लों पूरे पंजाब दे विच एक मुहिम विड दित्ती गई है, जिस दे तहत पंजाब दे वख-वख जिलियां दे विच छापेमारी कीती जा रही है गैंगस्टरां नूं फड़न दे लई अते नशा तस्करां नूं फड़न दे लई। मोहाली दे खरड़ दे विच इस मुहिम दी अगवाई कीती गई खुद DGP दे वल्लों अते बाकी जिलियां दे विच जिवें कि पटियाले दे विच, लुधियाणे दे विच, मानसा, संगरूर, बठिंडा, इस तों इलावा होर वी कई ज़िलियां दे विच पंजाब पुलिस दे वल्लों एक मुहिम चलाई गई तलाशी मुहिम, अते घरां दे विच जा जा के लोकां दीआं पेटियां, ट्रंक, लोकां दे दुकानां ते जा के उहनां दे काउंटर खोले गए, इत्थों तक के बैड भी खोल खोल के वेखे गए, आउण जाण वाले लोकां दे बटुए तक भी इत्थे फोले गए। पंजाब पुलिस दे वल्लों लोकां दे घरां दे विच जा के बड़े जबरदस्त तरीके दे नाल लोकां दे बिस्तरियां दी वी इत्थे तलाशी पंजाब पुलिस दे वल्लों लई गई अते वड्डे वड्डे IPS अधिकारियां नूं इह ड्यूटी दित्ती गई कि जिलियां दे विच इस तलाशी मुहिम दी अगवाई करनी है। जानकारी दे मुताबिक बहुत सारे जिलियां दे विच काफ़ी वड्डी गिणती दे विच लोकां नूं हिरासत दे विच वी पंजाब पुलिस दे वल्लों लिया गया है। शायद ही पंजाब दे इतिहास दे विच इन्नी बरीकी वाली तलाशी मुहिम चली होवे कि लोकां दे बैड तक जाके, बिस्तरे तक जाके फोड़ दिते गए पंजाब पुलिस दे वल्लों। सैकड़े की गिणती दे विच इत्थे जिहड़े मर्द मुलाजम अते महिला मुलाजमां नूं नाल लै के इह तलाशी मुहिम चलाई गई पूरे पंजाब दे वख-वख जिलियां दे विच। खरड़ दे विच खुद DGP ने इह तलाशी मुहिम की अगवाई की, उन्हां तों पुछिया गया कि एकदम इह मुहिम क्यों चला दित्ती गई है। सब तो पहला तुहानूं पंजाब दे DGP दा बयान ही सुना दिंदे आ कि आखिर उन्हां ने इह मुहिम विढ़ी क्यों है। इस दे विच मेनली एंटी सोशल एलीमेंट्स, ड्रग्स, गैंगस्टर्स, ए बेसिकली कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लोकां दे विच एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बनाने लई कीता जा रहा है कि असीं कॉर्डन करांगे। जिवें ईश्वर सिंह साहब ने ब्रीफ किया कि बहुत पोलाइटली जिहड़े फ्रेंडली तरीके नाल असी लोकां नाल इंटरैक्ट करांगे, एंड द मेन परपज़ इज़ टू चैक द मूवमेंट ऑफ बैड एलीमेंट्स। जदों पुलिस की मूवमेंट होंदी है, नाके लगते हैं, पेट्रोलिंग होंदी है, हाउस टू हाउस चैकिंग करांगे विदाउट वेरीफिकेशन, जिहड़े जिहड़े शक्की किस्म के आंसर रह रहे हैं साढ़े कोल, जिहड़ी इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाई करांगे, जिथे कोई एतराज योग वस्तु मिलेगी एज पर लॉ कार्रवाई की जाऊगी, जो किसी ड्रग्स की वैपन्स की रिकवरी होंगी है। सो द आइडिया इज कि पुलिस एक्टिव होवे, पुलिस मोबाइल होवे, लोकां नाल पुलिस दा राफ्ता होवे, इस तरह दे ऑपरेशन टाइम टू टाइम असीं करदे रहांगे। DGP दे बयान तों एक गल तां बिल्कुल साफ हो जांदी है कि उह पंजाब दे लोकां दे विच सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी गल कर रहे ने, जिस दा मतलब हुंदा है कि लोकां दे विच सुरक्षा दी भावना पैदा करना, क्योंकि जदों तो आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब दे विच बनी है लोगों के विच सुरक्षा की भावना की घाट पाई जा रही है। जदों सिद्धू मूसेवाला का कतल हो गया उस तो बाद तो लोग होर भी ज़्यादा डर गए सन, विधायकों सबका मंत्रियों जानों मारन दीआं धमकियां भी आउण लग पईआं, मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं भी धमकियां आ गईआं, अते हुण खास तौर पर नशे नूं लै के अते गैंगस्टरवाद नूं खत्म करन दे लई इह मुहिम पुलिस दे वल्लों विढ़ी गई है। बठिंडा की बीड़ तालाब बस्ती दे विच इह मुहिम चलाई गई पुलिस दे वल्लों, जिस तों बाद उत्थों दे लोकां दा की कहना है, बठिंडे दी बीड़ तालाब बस्ती दे लोकां दा की कहना है, लोकां दे बयान सुनाउणे वी तुहानूं बहुत जरूरी ने। मैं इह कहना चाहनी हां वी अज तों मैं इत्थे 20 साल हो गए नूं भई कोई माई दा लाल नहीं उठिया वी चिट्टा बंद कर दे, क्यों ना मजा उहनां दा विचारां दा कसूर है ना साडा है, विच्चों ही बंदा कह दिंदा वी अज पुलिस आवणी, पासे हो जांदे, बाकी पासे हो गए, बाकी कोई बुढ़िया ने इत्थे पा लिया, कोई किधर पा लिया, इन्नी की चीज़ है।
चीज इत्थे आउंदी नहीं। मेरा यह मंग है जिन्हां ने नां दित्ते होए, जिन्हां ते शक हैगा, उन्हां नूं फड़ के उत्थे जा के कटापा चाड़ के पुछो। चार पांच घर वड्डे हैगे, उन्हां दा मुड पट्टोगे, मुड वड्डा मुड पटीचेगा, फिर गल चलेगी। वड्डा मुड रातों रात कार च लिया के सट देंदा है, वंड देंदा चूंडी चूंडी, चलो भाई। बठिंडे तो बाद गल जेकर संगरूर दी कीती जावे तां उस दे विच रामनगर इलाके दे विच ए तलाशी मुहिम पंजाब पुलिस दे वल्लों चलाई गई। वड्डी गिणती दे विच पुलिस दे मुलाजम इस इलाके दे विच फैल गए अते घरां दे विच जा जा के उन्हां दे वल्लों तलाशियां लईयां गईयां। रामनगर इलाके दे लोकां दा की कहना है, उत्थों दे लोक तां होर वी ज़्यादा औखे ने अते तरले पा रहे ने कि नशा खत्म करो। ਵਾਲੀ ਦੁਖੀ ਆ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਬਾਤੀ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਮੈਂ, ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ। ਦੁਨੀਆ ਵੇਚਦੀ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਗਾਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਮੀ ਗਾਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੁਟਿਆਰ ਜਵਾਨ ਦੋਤੀ ਗਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਰ ਤਰ ਚੋਰ ਚੋਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਧਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਚਿੱਟਾ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਚੱਕ ਕੱਕ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਹਟ ਗਈ, ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਲਾ ਉਹ ਦਿਲ ਖੋ ਦਿੰਦਾ। ਬਥੇਰਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗਾਲ ਰੱਖੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਮਾ ਗਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਚਿੱਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਆ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੱਚੋ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇਗੀ, ਨਾਕੇ ਲਾਏਗੀ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਬੀੜ ਤਲਾਬ ਬਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਰਾਮਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਹੁਤ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਇਹ ਛਾਪਾ ਅਤੇ ਨਾਕਾ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ YouTube 'ਤੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ TV ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, Facebook 'ਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ TV, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।